एवरीवन, सलाम नमस्ते आदाब सत श्री अकाल केम छो, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका भाई आपका दोस्त सुनील यशपाल और एक बार फिर से आप लोग मेरे साथ हैं आपके अपने चैनल बाबा वुड पे। और अभी मैं हूं थाईलैंड की ब्यूटीफुल सिटी पत्या के बलिहाई पियर पर। बिल्कुल पत्या सिटी का जो लोगो आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं बिल्कुल उसी लोगो के पास में। और वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों ने देखा होगा यार कि मैंने कुछ आपको बर्ड्स दिखाए यहाँ पर। आज ये बर्ड्स दिखाने का एक खास मकसद था, क्योंकि आप लोग भी कह सकते हैं कि यार जो फ्लाई करने का टाइम है वो आ चुका है, जिस चीज़ का अपने को इंतज़ार था। एक्चुअली एक प्लान, जिस प्लान के अंदर मेरे काफ़ी सारे भाइयों ने पिछले कुछ महीनों में यहाँ पर ट्रैवल किया, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर थाईलैंड के अंदर आए, कुछ लोग फुकेत में, कुछ लोग बैंकॉक में, कुछ लोग पत्या में। तो एक बार फिर से वो जो प्लान है टेस्ट एंड गो प्लान, वो यहाँ पर 1 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। तो फाइनली आप लोग बोल सकते हैं कि इंडिया रेडी टू फ्लाई फॉर थाईलैंड की, यार थाईलैंड के लिए फ्लाई करने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। और इस प्लान के अंदर कुछ थोड़ी बहुत मैंने आपको पहले भी बताया था एक ब्लॉग के अंदर, आज से 2-3 दिन पहले अगर आप लोग बात करें कि हो सकता है कि जो टेस्ट एंड गो प्लान है उसके अंदर कुछ चेंजेस किए जाएँ, तो ऐसे ही कुछ चेंजेस इस टेस्ट एंड गो प्लान के अंदर किए गए हैं। तो इस प्लान के अंदर जो सबसे पहला चेंज किया गया है वो ये है कि पहले आप लोग जब टेस्ट एंड गो प्लान के अंदर यहाँ पर थाईलैंड आते थे तो आपको सिर्फ 1 RT-PCR टेस्ट आपको बुक कराना पड़ता था, जो आपका SHA+ होटल के साथ में ही बुक हो जाया करता था। लेकिन अभी यहाँ पर आपको 1 नहीं 2 RT-PCR टेस्ट आपके लिए बुक कराने पड़ेंगे, और साथ में ही आपको जो SHA होटल है उसका भी जो बुकिंग है आपको वो 2 दिन का दिखाना पड़ेगा। एक बुकिंग होगा आपका पहले दिन का, जिस दिन आप लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, जो आपका पहला RT-PCR टेस्ट होगा, और उसके बाद में आपको दूसरा बुकिंग यहाँ पर दिखाना पड़ेगा 5वें दिन का। लाइक आपका जो यहाँ पर ट्रिप है उसमें जो 5वां दिन होगा उस टाइम पर आपका एक दूसरा RT-PCR टेस्ट किया जाएगा, और जब तक उस RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आएगी आप वापस जो होटल आप दिखाएंगे दूसरे RT-PCR टेस्ट के लिए आपको उसी होटल के अंदर स्टे करना पड़ेगा जब तक आपका रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाता। और इसके साथ साथ आपको ये जो दोनों RT-PCR टेस्ट है, जो इसका पेमेंट है, आप लोग जब थाई पास अप्लाई करेंगे उससे पहले ही आपको जो इसका पेमेंट है आपको कर देना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो SHA+ होटल का बुकिंग आप पहले दिखाया करते थे उसी तरह से आपको जो बुकिंग है वो पहले से एडवांस में दिखाना पड़ेगा पहले दिन का और 5वें दिन का। तो यार बस एक छोटा सा चेंज किया गया है इस टेस्ट एंड गो प्लान के अंदर, क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो तो जब 21 दिसंबर को रात को 12 बजे के बाद जब ये प्लान को सस्पेंड किया गया उसके बाद में यहाँ पर 1 नहीं 2 टेस्ट मैंडेटरी कर दिए गए थे, लेकिन उस टाइम पर इस तरह का पहले से कोई लाइक आप लोग कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया था लोगों को। तो जिन्होंने भी यहाँ पर टेस्ट एंड गो प्लान के लिए रजिस्टर्ड किया था उनको यहाँ पर जो दूसरा RT-PCR टेस्ट था वो बिल्कुल फ्री करके दिया गया था। लेकिन अभी क्या है कि यार एडवांस में ही सब लोगों को बता दिया गया है कि आप अगर थाईलैंड आना चाहते हैं टेस्ट एंड गो प्लान के अंदर तो आपको 1 नहीं 2 RT-PCR टेस्ट कराने पड़ेंगे। तो 1 फरवरी से आप लोग टेस्ट एंड गो प्लान के अंदर आप लोग चाहें तो थाईलैंड में ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको 1 नहीं 2 RT-PCR टेस्ट कराने होंगे, और 1 दिन के लिए नहीं बल्कि 2 दिन के लिए आपको यहाँ पर SHA+ होटल या AQ होटल जो भी आप डिसाइड करते हैं, जैसा भी आप होटल बुक कराना चाहते हैं आपको बुक कराना पड़ेगा। और इसके साथ साथ 1 फरवरी से जो ये जो टेस्ट एंड गो प्लान को यहाँ पर वापस से रिस्टार्ट किया जा रहा है, इस प्लान के अंदर सभी कंट्रियाँ शामिल है, क्योंकि मेरे बहुत सारे भाई मेरे से अक्सर लाइक बांग्लादेश से आप लोग बात कीजिए, पाकिस्तान से बात कीजिए, और बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ से ये सवाल पूछते हैं कि बाबा हमारे लिए क्या है। तो यार इस बार जो टेस्ट एंड गो प्लान है वो लगभग सभी कंट्रियों के लिए है, सभी कंट्रियों के लिए वैलिड है। तो आप किसी भी कंट्री से ट्रैवल करना चाहें तो आप लोग थाईलैंड ट्रैवल कर सकते हैं 1 फरवरी से टेस्ट एंड गो प्लान के अंदर। और टेस्ट एंड गो प्लान के साथ साथ यहाँ पर जो सैंड बॉक्स प्लान यहाँ पर चल रहा था फिलहाल 4 जगह के लिए, 4 एरियाज के लिए आप लोग बात करें, फुकेत, कराबी, फांगना और सूरत थानी, तो उसके साथ साथ अभी यहाँ पर जो पत्या सिटी है पत्या को भी लाइक जो चोनबुरी है चोनबुरी को यहाँ पर सैंड बॉक्स के अंदर शामिल कर लिया गया है। तो अगर आप लोग 1 फरवरी के बाद से अगर आप लोग सैंड बॉक्स की लाइक सैंड बॉक्स प्लान के अंदर भी यहाँ पर आना चाहें तो आप लोग आ सकते हैं। और सैंड बॉक्स प्लान के अंदर सिर्फ एक चीज़ होती है कि जो भी जगह पर आप जा रहे हैं, जो सी भी सिटी आप सिलेक्ट कर रहे हैं, उस सिटी के अंदर आपको मिनिमम 7 दिन निकालने पड़ेंगे और आपको वहां पर SHA+ होटल में ही स्टे करना पड़ेगा फॉर 7 डेज। और इसके अंदर भी जो आपको RT-PCR टेस्ट कराने हैं वो कराने हैं 2, इसमें पहला RT-PCR टेस्ट जो आपका होगा वो होगा यहां पर पहले दिन, जिस दिन आपका अराइवल का डेट होगा, और दूसरा RT-PCR टेस्ट होगा आपका सेम 5वें दिन। तो यार एक अच्छी चीज़ है। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि अगर लाइक फर्दर अगर जो अभी तक जो इसका रॉयल गैजेट है वो अभी तक नहीं आया, एक्चुअली मैं सुबह से उसी गैजेट का वेट कर रहा था, क्योंकि
ये न्यूज़ यहाँ पर सुबह से आ चुकी थी कि 1 फरवरी से यहाँ पर टेस्ट एंड गो प्लान शुरू होने जा रहा है, लेकिन मैंने काफ़ी वेट किया रॉयल गैजेट का, तो हो सकता है अगर मान लीजिए रॉयल गैजेट के अंदर कुछ चेंजेस भी होते हैं तो भी ऐसा कहा गया है कि जो सैंड बॉक्स प्लान है आप लोग चाहें तो सैंड बॉक्स प्लान के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये जो एक ऑप्शन है इसके साथ में एक और यहाँ पर जोड़ दिया गया है, और इसके साथ साथ एक चीज़ और ऐड की गई है कि फिलहाल जो नाइट लाइफ है, अगर आप लोग थाईलैंड की नाइट लाइफ की बात करें तो जो पब्स हैं और जो क्लब्स हैं वो अभी भी यहाँ पर क्लोज ही रहेंगे फर्दर नोटिस तक, जब तक गवर्नमेंट यहाँ पर अलाउ नहीं करती। लेकिन अगर आप लोग जो अभी एट प्रेजेंट जो यहाँ पर एक नाइट लाइफ चल रहा है जिसपे कुछ यहाँ पर रोक लग गया था, इन द सेंस कि 9 बजे तक यहाँ पर लीकर सेल कर सकते थे रेस्टोरेंट्स में, और जो कन्वर्टेड रेस्टोरेंट्स हैं जो यहाँ पर बार्स हैं, जो यहाँ पर पब्स हैं, जो एज अ रेस्टोरेंट्स यहाँ पर चल रहे थे, जो लाइक एक अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था यार, एक अच्छा खासा क्राउड था, लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे उन सभी जगह पर जाकर, लेकिन वहाँ पर पिछले कुछ दिनों से जो लीकर का जो सेल है उसके ऊपर एक पाबंदी लगा दी गई थी कि 9 बजे के बाद आप लीकर सेल नहीं कर सकते। तो आने वाली 24 तारीख से उस टाइम को यहाँ पर बढ़ाकर रात को 11 बजे तक किया जा रहा है, तो एक अच्छी चीज़ है यार अपने पास में इंजॉय करने के लिए। 2 घंटा और एक्स्ट्रा यहाँ पर ऐड होने जा रहा है 24 तारीख से। तो जो लीकर का जो सेल है अभी तक लाइक जो अगर आप लोग आज की बात करें जो यहाँ पर चल रहा था रात को 9 बजे तक, तो आने वाली 24 तारीख से वो जो लीकर है वो आप लोग कह सकते हैं कि रात को 11 बजे तक यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। तो यार एक अच्छा खासा टाइम होगा आई थिंक आपके पास अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं एंजॉय करने का, क्योंकि अगर आप लोग अभी की बात करें तो यार यहाँ पर 6 बजे से आप लोग बिलीव कीजिए शाम को 6 बजे से लोग यहाँ पर पब में और जो भी यहाँ पर जो रेस्टोरेंट कन्वर्टेड रेस्टोरेंट जो मैंने आपको बोला जो बार्स यहाँ पर खुले हुए हैं लोग वहाँ पर बैठ जाते हैं और रात 6 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक फुल ऑन 3 घंटे यहाँ पर एंजॉय करते हैं। तो यार वो जो एंजॉय का टाइम है अब यहाँ पर 2 घंटे और बढ़ा दिया गया, और जैसे जैसे यहाँ पर सिचुएशन बेटर होती चली जाएगी वैसे वैसे यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पर और कम होती जाएंगी। तो यार 1 फरवरी से अगर आप लोग चाहें तो टेस्ट एंड गो प्लान के अंदर यहाँ पर आ सकते हैं, और जो इसके लिए जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो बिल्कुल सेम है। उसी तरह से आपको इंश्योरेंस भी बाय करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर SHA+ होटल भी बुक करना पड़ेगा, उसके साथ साथ आपको जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है थाईलैंड एंट्री पास। तो आपको थाईलैंड एंट्री पास के लिए अभी भी यहाँ पर अप्लाई करना है, क्योंकि अगर आप लोग अभी थाईलैंड में ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसके लिए जो थाईलैंड एंट्री पास है वो ज़रूरी है, आपको वो लेना ही पड़ेगा। और उसके अंदर जो भी चीज़ें आप लोग पहले ऐड करते हैं, जिस तरह से आप थाईलैंड एंट्री पास अप्लाई करते थे उसी तरह से आप लोगों को जो थाईलैंड एंट्री पास है वो अप्लाई करना होगा। तो आई होप यार कि आज से कुछ दिन पहले जिस तरह मेरे भाई यहाँ पर फ्रीली ट्रैवल कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी सारे मेरे भाई यहाँ पर आए थे, तो आने वाले कुछ दिनों के बाद फिर से एक बार मेरे काफ़ी सारे भाई यहाँ पर आएंगे, और जिस तरह से यहाँ पर 31 के आसपास मेरे भाई एंजॉय करके गए हैं एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर साथ में एंजॉय ज़रूर करेंगे। लेकिन सोचने वाली बात यहाँ पर सिर्फ एक है कि यार जो इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं, जो नॉर्मल शेड्यूल फ्लाइट्स हैं, वो कब स्टार्ट होंगी, क्योंकि एक बार फिर से अपना जो आप लोग बोलते हैं कि यार जो एक सस्पेंशन चल रहा था यहाँ पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स को लेकर, उसको और इंक्रीज कर दिया गया और उसको बढ़ा दिया गया है, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। जो 31 जनवरी को एक बार फिर से फ्लाइट्स स्टार्ट होने वाली थी उसको अभी आगे डेट बढ़ाकर 28 फेब तक कर दिया गया है, अगर आप लोग इंडिया की बात करें तो। देखते हैं कि यार क्योंकि अभी भी यहाँ पर एयर बबल के ऊपर बातचीत स्टिल गोइंग ऑन चल रही है, एक काफ़ी लंबी बातचीत है, तो अब सिर्फ अपने पास में एक ही उम्मीद है कि अगर यार यहाँ पर इन बिटवीन इस टाइम के अंदर एयर बबल साइन हो जाता है तो शायद आप लोगों को जो नॉर्मल शेड्यूल फ्लाइट्स जो पहले मिला करती थी इंडिया से यहाँ पर थाईलैंड में आने के लिए, बहुत सारे ऑप्शंस होते थे, बहुत सारी एयरवेज होती थी, तो शायद वो फ्लाइट्स आपको एक बार फिर से देखने को मिल जाए। लेकिन फिलहाल की अगर आप लोग बात करें तो फिलहाल आपको जो इंतजार करना पड़ेगा एक नॉर्मल शेड्यूल फ्लाइट्स के लिए वो करना पड़ेगा यहाँ पर लगभग 28 फरवरी तक। लेकिन फिर भी अपने पास में यहाँ पर अगर आप लोग थाईलैंड आना चाहें तो आपके पास में फ्लाइट के कुछ ऑप्शन अभी भी मौजूद हैं। आप लोग एयर इंडिया की बात कीजिए, आप लोग थाई एयरवेज की बात करिए, तो कुछ एक फ्लाइट्स हैं जो यार एक अलग अलग पर्टिकुलर सिटीज से जो अभी ऑपरेट हो रही हैं। तो अगर आप लोग 1 फरवरी से ट्रैवल करना चाहें तो आप लोग जैसा आपको सही लगे अपने कन्वीनियंट के अनुसार आप लोग फ्लाइट्स बुक कर सकते हैं। बस यार यही थी कुछ अपडेट्स जिसका काफ़ी दिन से मेरे काफ़ी सारे भाई इंतज़ार कर रहे थे। होपफुली अपनी मुलाकात बहुत जल्दी होगी, और फिलहाल अभी इस अपडेट को लेकर यहाँ पर जो रॉयल गैजेट है मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। हो सकता है कि उसके अंदर कुछ एकाध चेंजेस और भी हो जाएं, तो जो भी उसके अंदर अगर चेंजेस होते हैं या नहीं होते हैं, जो भी अपडेट्स होंगी डेफिनेटली मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो यार बाय द टाइम आप लोग आपका ख्याल रखिए, आपकी फैमिली का ख्याल रखिए, आस पड़ोस का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और डटे रहिए, भूलेगा नहीं। मेरा नाम, मैं हूं सुनील यशपाल, आपका भाई, आपका दोस्त, और यह है आपका अपना चैनल बाबा वुड। सी या।